हेलो फ्रेंड्स, अर्न वे ट्रेडिंग में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोलका डॉट एंड ट्रॉन के विषय में कि आखिरकार ये दोनों में हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले समय में। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये दोनों कॉइन को भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ एंड चार्ट के माध्यम से भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आने वाले समय में हमें यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना यहाँ पे। और आपका क्या राय है और कितना जा सकता है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना। यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं पोलका डॉट के ऊपर और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ से बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोलका डॉट है यहाँ पे 9 रैंक के ऊपर, यानी कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाके चेक करोगे तो आपको 9 रैंक के ऊपर ये शो करेगा। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों $23 आई थिंक सो 1800 के आसपास एज अ INR के अंदर 6% मार्केट मॉर्निंग से ग्रोथ चल रहा है। और यहाँ पे अगर BTC एंड इथेरियम पेयर की बात करूँ तो दोनों में 6% अप है मार्केट। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको 24 हॉर्स का जो चैटिंग अप एंड डाउन है दोनों आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 24 हॉर्स एंड यहाँ पे 1 ईयर्स के ऊपर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस क्या थी आने वाले 1 साल पहले। तो 1 साल पहले जो इसकी प्राइस थी दोस्तों $2 अप्रोक्स इसकी प्राइस एज अ लोएस्ट थी। एंड हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हाईएस्ट ये जो है यहाँ पे $49.69 ये हाईएस्ट जा चुका है। यानी कि आप देख सकते हो आने वाले 1 साल में इसने कितने एक्स का यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है और काफ़ी इसके प्रोजेक्ट कंटिन्यू रेडी हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न्स भी देने वाला है ये पोलका डॉट। अगर दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन के द्वारा है और यहाँ पे इनका आप कमिटी भी देख सकते हो जाके आप ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट कैप के ऊपर देख लेते हैं। मार्केट कैप भी यहाँ पे 5% के ऊपर यहाँ पे है और यहाँ पे दोस्तों 24 हॉर्स के अगर वैल्यू की बात करूँ तो 50% एज अ माइनस के अंदर है। यानी कि इसका मतलब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस लोगों का ट्रेडिंग के ऊपर, बाय एंड सेल के ऊपर। अगर यहाँ पे हम सप्लाई के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों आप मैक्सिमम सप्लाई भी देख सकते हो और साइकिलिंग सप्लाई भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों साइकिलिंग सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो 944073 इस तरीके से यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे आप टोटल सप्लाई भी यहाँ पे चेक कर सकते हो 1079। अभी हम डाउन साइड में आते हैं और इसकी ये चार्ट है और एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे हम डाउन साइड में आते हैं, करंट प्राइस भी आपने देख लिया एंड 24 हॉर्स में अगर बात करूँ तो $1.29, यानी कि दोस्तों 5% के ऊपर का ये ग्रोथ आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ 24 हॉर्स में लो एंड हाई की तो दोस्तों 21.75 ये लोएस्ट है एंड 24.03 ये हाईएस्ट जा चुका है। ट्रेडिंग वैल्यू सेम है। मार्केट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 1.87% इसका मार्केट डोमिनेंस है और यहाँ पे 9% ये 9 रैंकिंग के ऊपर ये मार्केट कैप के ऊपर चल रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों एक छोटा सा ये चार्ट था जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डेज का लो हाई एंड 30 डेज एंड 90 डेज। यहाँ पे आपको काफ़ी डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर होने वाले हैं कि यहाँ पे आई थिंक सो हर एक जगह पे आपको डबल्स का ही बेनिफिट्स यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 18 था आई थिंक सो 1.5 के आसपास का प्रॉफिट है और यहाँ पे 13 था, इसके ऊपर 2x के ऊपर का भी प्रॉफिट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ से आप रिटर्न्स पोलका डॉट के माध्यम से आप कमा सकते हो। अब भी हम और भी डाउन में आते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ROI लोगों ने यहाँ से कितना परसेंटेज का कमा लिया, 757%, यानी कि 757 का लोगों ने यहाँ से परसेंटेज तक का इनकम भी कर चुका है। अभी यहाँ पे हम साइकिलिंग सप्लाई भी देख सकते हैं, टोटल सप्लाई जो आपको मैंने ऊपर दिखा दिया। अभी हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या
इसका प्राइस हो सकता है आने वाले समय में उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट रेडी हो रहे हैं, जैसे कि आप API 3 इसका आ रहा है और इस तरीके से बहुत और भी हैं जो डाटा इसके पूरे आ रहे हैं पोलका डॉट की, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे बेनिफिट्स इसके मार्केट के अंदर बहुत ही कम समय में मिलने वाला है। तो आते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम पोलका डॉट के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको एक एक डाउट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा एज ए चार्ट के माध्यम से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वन डे का चार्ट मैंने ओपन करके रख लिया हूँ और यहाँ पे मैं आपको 1-to-1 सिंगल सिंगल दिखाते रहूँगा कि किस तरीके से इसकी प्राइस मार्केट में हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका वन डे का चार्ट है, अगर इसकी हाइएस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 49.79 ये हाइएस्ट मार चुका है और एक एक कैंडल इसका जो है, जो भी इसके एक एक कैंडल है यहाँ पे, हर एक कैंडल दोस्तों यहाँ पे वन डे के हैं। अगर यहाँ पे आप डाउन साइड में देख पा रहे हो, इधर सेलिंग की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इधर पे बाइंग बहुत कम मेरे हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों ने सेल ज़्यादा किया, इसके लिए मार्केट पूरा डाउन आ गया। अभी यहाँ पे हम कंटिन्यू वन डे के चार्ट के ऊपर आते हैं और वन डे के ऊपर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वन सेकेंड, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वन डे के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, आज का जो प्राइस चल रहा है $23 के आसपास यहाँ पे चल रहा है और ये जो जितने भी कैंडल है, ये सब कैंडल एक एक मिनट के, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो आज का जो सेलिंग प्रेशर है कंटिन्यू यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ पे रेड है और ग्रीन का मतलब है कि मार्केट अप जा रहा है। अभी यहाँ पे हम कंटिन्यू बात करते हैं। फर्स्ट तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे जो हाईएस्ट है आपका $24 है एंड लोएस्ट जो है 23, यानी कि जो मार्केट है अगर देखा जाएगा तो कंटिन्यू ये मार्केट ऊपर की तरफ ही है एक मिनट के हिसाब से, अगर हम मार्केट को यहाँ पे नोट आउट करते हैं। अब सेकंड में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों 30 मिनट्स का, जिसमें 30 मिनट्स के अंदर आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट एज एक एक कैंडल जो है 30 मिनट्स का है, यानी कि यहाँ से अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ये मार्केट आपका टोटल अप के ऊपर ही है, डाउन में कहीं पे भी गया हुआ नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं वन हॉर्स के चार्ट के ऊपर। अगर वन हॉर्स की मैं चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप नोट आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये अगर जो लाइन है, बट यहाँ पे इस लाइन ने अभी तक इसको टच नहीं किया, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव है मार्केट, आप देख सकते हो यहाँ पे इस लाइन ने अभी तक इसको टच नहीं किया और यहीं से मार्केट ऊपर हुआ और अप होता गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यू अप के ऊपर ही जा रहा है। अगर यहाँ से दोस्तों मैं बात करूँ, एक ट्रेंगल यहाँ से अगर हम बनाते तो भी मार्केट ये आपका अप जा रहा है, यानी कि दोस्तों इस लाइन को ये बहुत ही कम समय में ये क्रॉसिंग करने वाला है, हो सके आज या कल कभी भी ये मतलब $26 के ऊपर ये चले जाएगा, हो सके बहुत ही कम समय में ये निकल जाएगा वहाँ तक। अभी ये मैं आपको वन हॉर्स का बता दिया एंड आपको मैं फोर हॉर्स का अगर मैं यहाँ पे चार्ट बताऊँ तो फोर हॉर्स से अगर मैं बात करूँ तो दो पिछले 8 घंटे से मार्केट एज अ पॉजिटिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और पिछला जो रिकॉर्ड था यहाँ पे $42, अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे, वन सेकेंड, आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे एक ट्रेंगल बना हुआ है जो यहाँ का, अभी फर्स्ट तो इसको ब्रेकआउट करना है, यानी कि 26 को, अगर ये 26 को ब्रेकआउट कर लेता है तो दोस्तों आने वाला समय जो है इसका 29-30, तो ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव न्यूज़ है पूरा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वन डे के चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 दिन से मार्केट जो है टोटल पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादा अप भी नहीं हुआ है तो डाउन भी नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका टोटल मार्केट पॉजिटिव बना हुआ है। और इसको ओनली फ्रॉम हाईएस्ट कितने को टच करना है, इसको फर्स्ट तो अपने टारगेट पिछले टारगेट को $49 को टच करना है, जिसका हाफ अभी ये चल रहा है अगर देखा जाएगा तो इसी तरीके से दोस्तों ये मार्केट के हिसाब से जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं टोटल, तो काफ़ी आसानी से ये 49 को बहुत ही कम समय में क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ही कम समय में यहाँ पे क्रॉसिंग कर सकता है। क्योंकि आप एक चीज़ को यहाँ पे नोट आउट करिए, यहाँ से इस पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा था, अगर वन डे के हिसाब से देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल पूरे बन रहे कंटिन्यू, इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है सेलिंग का, जब आप सभी को मालूम है मार्केट अभी कुछ टाइम पहले क्रेश हुआ था, इसके सेलिंग प्रेशर, लेकिन अभी इसका बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा हुआ है और बाइनेंस की तरफ से भी
एक अच्छा न्यूज़ है जिसकी वजह से आप पोलका डॉट भी काफ़ी अच्छा रफ्तार ले लेगा मार्केट के अंदर। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी हम बात करते हैं ट्रॉन के ऊपर, तो ट्रॉन भी दोस्तों अभी आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 रुपये INR के तौर पर चल रहा है। बट दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा दिसंबर तक अगर आपने फोकस कर लिया इसके ऊपर तो ये आपको कम से कम 8 से 9x का आपको ट्रॉन रिटर्न देगा, क्योंकि ट्रॉन के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट हैं और ट्रॉन भी बेसिकली उसके ऊपर NFT करके एक जो बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी आने वाला है और ऐसे से बहुत सारे फ्यूचर्स हैं ट्रॉन के। तो फोकस आप ट्रॉन के ऊपर भी रखना, क्योंकि पोलका डॉट तो बेटर है आपको लॉन्ग विजन के लिए, क्योंकि पोलका डॉट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस भी इसकी काफ़ी हाई है, बट आप अपने पोर्टफोलियो से 5 से 10 कॉइन भी आप मैनेज कर सकते हो, 2-4 कॉइन 1 कॉइन भी हो तो आप मैनेज करके इसको ज़रूर रख लीजिए और ट्रॉन को हो सके कुछ क्वांटिटी में काफ़ी अच्छा रख लेना। दिसंबर तक अगर आपने वेट कर लिया तो आपको 100% है जहाँ तक कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देगा 8 से 9x तक का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आपका क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर देना।